I'm admitting people, Charlie. Best of luck. Thank you. Thank you. Good morning. Welcome all. Thank you so much for coming in for our second week of Basics of Stock Market Training initiative by Money Matters under Money Matters Talks. Rohit ji, thank you so much. Bye. Morning. Kshitij, thank you. Kshitij, Krishnakant, thank you so much. So as I told you last time also, this is a effort. ये हमारी कोशिश है मनी मैटर्स में कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट में लोगों को लेके आए और लोगों को ये दुनिया दिखाए ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट विच हैज ग्रेट पोटेंशियल. सो द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय टीम मनी मैटर्स. वी डिड द फर्स्ट ट्रेनिंग लास्ट वीक विच वॉज ऑन बेसिक्स अबाउट द मार्केट. एज यू कैन सी this time the topic is understanding the psychology of the big bulls. For that I would like to call upon charmi, thank you so much Charmi. As you know, she's a young member of for my team, and I request all of you, aapke man mein jo bhi sawal hai about this topic, this is also a very interesting topic, jo bhi aapke man mein sawal aate hain please poochiye. You never know, आप शायद किसी और के मन का डाउट भी क्लियर कर रहे हो एट दैट पॉइंट. ऑन दैट नोट आई लीव इट टू चार्मी. चार्मी वेलकम, प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, ग्लैड टू सी यू ऑल. सो टुडे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ बिग बुल एंड इन्वेस्टिंग डिस्कवर करेंगे, डिफरेंट अप्रोचेस समझेंगे. ठीक है, सो डिस्क्लेमर, none of the shares discussed in this webinar are recommended by Money Matters or me. ये सिर्फ educational purpose के लिए हम लोग ये shares के बारे में discuss कर रहे हैं. Chanakya says, learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself. And I truly believe in this. मतलब जो चीज अगर हम लोग 10 या 7 साल में सीख सकते हैं, उसको 5 या 4 साल में सीखनी है और वो जो journey है उसको smooth बनानी है, तो एक रास्ता है कि वो रास्ते से जो चल के गया उसको एनालाइज करो. तो जर्नी एटलीस्ट अगर कम नहीं हुई तो स्मूथ तो पक्का हो जाएगी, राइट? तो सर, आई एम जस्ट सॉरी, आई एम गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. आई जस्ट वांट टू डू अ साउंड चेक. सबको ये पूछना है, इफ एवरीवन पुट इन द चैट बॉक्स, क्या आप चार्मी का आवाज क्लियरली सुन पा रहे हैं? इफ यू कैन जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस. थैंक यू. कृष्णकांत, थैंक यू सो मच. सो चार्मी, आप थोड़ा माइक को आपका टेस्ट करो, बिकॉज आपकी आवाज आ रही है पर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू. ओके, अभी बेटर आ रही है? यस यस. ओके ओके, थैंक यू, वेरी सॉरी. ओके, सो कंटिन्यूइंग, तो ये चार्ट इज अबाउट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन रेट इन डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट. तो अगर हम देखेंगे तो इंडिया में सिर्फ 3.3% लोग पार्टिसिपेट करते हैं. मतलब कि अभी अराउंड अपना पॉपुलेशन इज अराउंड 1,039,27,00,000, उसमें से सिर्फ 3.3%, मतलब 4 करोड़ के आसपास, 4,59,00,000 के आसपास ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. स्टिल आर मार्केट इज अराउंड, अभी लास्ट फ्राइडे ही अभी उन्होंने मार्केट टच्ड 60,000, सेंसेक्स टच्ड 60,000. ठीक है, एंड अगर यही पार्टिसिपेशन अपना 14 या 15% पोर्टुगल या फ्रांस का जितना है उतना होता तो अभी मार्केट कहाँ पे होता, राइट? तो बेसिकली मोस्ट ऑफ आर पॉपुलेशन इज नॉट अवेयर अबाउट द मार्केट या फिर इन्वेस्ट करना नहीं चाहती. एंड ऑल्सो आफ्टर लुकिंग एट दिस चार्ट वी ऑल्सो सॉ दिस स्टैटिस्टिक, ये हमको मिला कि भले कम लोग है पर ये अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं. सो 2019-20 में 3.8 मिलियन अकाउंट्स थे, उसके डीमैट अकाउंट्स थे. देन उसके बाद 2021 में 5.1 मिलियन थे. देन 2021-22 में अभी तक 14.1 मिलियन अकाउंट हुए हैं, राइट? बट तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग ने थोड़ा सा छोटा सा एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें वी आस्क्ड के वेदर यू हैव अ डीमैट अकाउंट और नॉट. If yes, then are you trading or investing? And if you are trading and investing, कुछ दिक्कतें आ रही है, क्या issues है? और अगर नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो क्यों नहीं है? तो हमको दो टाइप के, मतलब ओवर जो कंक्लूजन निकला तो वो दो टाइप के लोग मिले. एक जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो आए पर लॉस हुआ या डर के, मतलब लॉस हुआ उस वजह से डर के निकल गए, मतलब कि जो स्पीड से आए थे वही स्पीड से निकल गए,
और दूसरा कि दूसरे ऐसे लोग कि जो फर्स्ट टाइप के लोग थे वैसे लोगों को देख के डर के आ ही नहीं रहे, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइप के जो लोग थे उनसे कुछ गलती भी हुई रहेगी, शायद उनको कोई टिप्स या किसी फ्रेंड ने बोला रहेगा यार ये शेयर ले ले, ये शेयर 10 रुपए का 1,000 रुपए का जाएगा, उन्होंने 2 लाख थे 2 लाख के 2 लाख डाल दिए, फिर वो 2 लाख लॉस में बुक करके निकल गए, और फिर वो लोग तो डर के निकल गए, और साथ में काफी लोग को भी ये मिसकंसेप्शन हो गए कि यार ये सब गलत है, ये मार्केट में कमा नहीं सकते, ये वो, ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन एंड मिथ्स है। तो बिंग एंड फिनेंशियल एडवाइजर हम लोग को ये जो मिसकंसेप्शन है उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी देना है, तो इसलिए हम लोग ने ये टॉपिक चूज किया है। तो द बिगेस्ट मिथ इज स्टॉक मार्केट इज लाइक गैम्बलिंग, ये मतलब कितने लोग बोलते हैं, और इवन सर के पास भी आके काफी लोग बोलते हैं यार ये तो सट्टा है, तो सर हमेशा उनको एक स्टोरी बोलते हैं, वही स्टोरी मैं रिपीट करना चाहूंगी कि कभी लाइक तीन पत्ती पता रहेगा आपको, सपोज आप तीन पत्ती की गेम खेल रहे हो, कार्ड खेल रहे हो, ठीक है, एंड उसमें सॉरी हम तीन पत्ती की गेम खेल रहे हो, आप कार्ड्स खेल रहे हो, आपको पता भी नहीं है तीन पत्ती क्या है, कुछ भी नहीं पता है, यू आर प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, और आपके पास आ गए 3 1 के, 3 एस आ गए और आप जीत गए, जितना भी पैसा था आपने कमा लिया, वहां पे अदर पार्टिसिपेंट्स का जो भी पैसा बैट लगी थी वो आपने कमा ली और आप जीत गए, आपको मजा आ गया यार मजा आ गया, चलो और एक गेम खेलते हैं, आपने और एक गेम खेली, वापस जीत गए आप, अब आप यू आर लाइक बिट कॉन्फिडेंट कि यार ये तो मस्त मजा आ रहा है, अभी ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपने जितना कमाया था सारा लगा दिया, ठीक है कि चलो वापस खेलते हैं, अभी तो यार ये गेम मजा ही आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस के साथ ना और एक बार पैसा लगाया, अभी ये टाइम आप हार गए, जितना कमाया था उतना तो गवा दिया, तो नाउ यू आर टेंस के यार ठीक है पर गेम ही है होता है, चलो और एक बार खेलते हैं मजा आ रहा है, ठीक है खेलते हैं, वापस हार गए, तो धीरे धीरे वापस कॉन्फिडेंस भी लो होने लगा, डर भी लगने लगा, फिर धीरे धीरे आपको समझा कि यार कहीं पे तो मैं गलती कर रहा हूँ, कुछ तो है यहाँ पे, आई एम प्लेइंग विद द कार्ड्स बट अपोनेंट्स आर प्लेइंग विद द साइकोलॉजी, मतलब कि मुझे भी लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलना है, लोगों के माइंड सेट के साथ खेलना है, लोगों के माइंड के साथ खेलना है, मेरे शक्ल पे ही दिख रहा है कि अच्छा मेरे पत्ते खराब आए हैं तो हारना ही है ना, सामने वाला तो मेरे को ट्रिक करके जाएगा ही, मतलब एक स्किल एक्सपर्टीज आ गई, थोड़ी लॉजिक आपको समझ आई है गेम की, नाउ आर यू अ गैम्बलर, ऑफ कोर्स नॉट, राइट, अभी आपके पास कुछ स्किल सेट्स है, कुछ एक्सपर्टीज है, उसके साथ आप खेल रहे हो, सो दैट इज नो मोर अ गैम्बलिंग बिकॉज यू आर प्लेइंग विथ सम लॉजिक एंड एक्सपर्टीज। सेम गोज फॉर शेयर मार्केट, सीए राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल अपने मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन, बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बुफेट के गुरु, वॉरेन बुफेट, राधा कृष्ण दमानी डीमार्ट के फाउंडर, कोरिन जुवेलियत एकदम पुअर बैकग्राउंड से आए थे, मतलब विलेज से विलेज ही बिलोंग्स टू विलेज, एकदम पुअर बैकग्राउंड से थे, एंड राइट नाउ ही इज मैनेजिंग फंड्स ऑफ करोड़, ठीक है, तो ये सब, और ये तो सिर्फ फ्यू इन्वेस्टर्स मैंने लिए, ऐसे तो कितने सारे इन्वेस्टर्स है और बिलियनर्स है जो शेयर मार्केट में हुए, सब तो गैम्बलिंग के वजह से नहीं हो सकते, राइट, कुछ तो ऐसा लॉजिक रहेगा, कुछ तो स्किल सेट रहेगी जो उनको आती है जो हमें नहीं पता, या फिर कुछ लॉजिक रहेगा जो हमें नहीं पता जो उनको पता है, कुछ तो ऐसा रहेगा, राइट, अगर एक या अगर गैम्बलिंग होती तो एक या दो या तीन लोग शायद सक्सेसफुल होते, पर इतने सारे कैसे हो सकते हैं, तो डू यू अग्री कि ये गैम्बलिंग नहीं है, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स सो आई कैन मूव अहेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, और इफ यू कुड जस्ट अनम्यूट एंड से अग्रीड कि ये गैम्बलिंग नहीं है, शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो लॉजिक है पीछे, Yeah, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, we got a response. I agree. ओके Thank you so much. यस थैंक यू, तो अभी सब लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है, पर रिस्की तो बहुत है यार, क्या पता, मतलब कि ऐसा डर लगता है आने से, बहुत रिस्की है, तो हर्षद मेहता का सीरीज देखा रहेगा तो रिस्क है, तो इसके जोक्स अपार्ट स्टॉक मार्केट इज रिस्की, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट इतना भी रिस्की नहीं है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट ना कर सके, हम लोग इनिशिएट ना कर सके, मार्केट में आ ना सके, ये चार्ट आपने बहुत बार देखा रहेगा आई नो, बट आई एम शोइंग यू वन मोर टाइम बिकॉज ये चार्ट बहुत सारी चीजें बोलता है, जैसे कि अगर हम देखें 1990 में शेयर सेंसेक्स वॉज 1000 पॉइंट, सेंसेक्स क्या है अगर ये सब आपको नहीं पता है तो सर इफ यू कुड पुट द लिंक ऑफ लास्ट वेबिनार, उसमें सेंसेक्स निफ्टी सेक्टर सब कुछ कवर किया था, तो वो एक बार देख लोगे तो आपको सब
जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो क्लैरिफाई हो जाएगी. सो 1990 में सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स जस्ट क्रॉस किया था. अभी लास्ट फ्राइडे सेंसेक्स ने टच किया है 60,000. ठीक है, उसके बीच में कितना कुछ हुआ. हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, मुंबई की बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ, आई मीन BSE की जो बिल्डिंग है अपनी उस पे ब्लास्ट हुआ. देन टेक्नोलॉजी का बूम, कितना कुछ हुआ. 2008 का क्रैश, वो क्रैश किस वजह से हुआ था किसी को आइडिया है? मैं जस्ट शॉर्ट में बता देती हूँ. US में एक लेमन ब्रदर्स करके इन्वेस्टमेंट बैंक थी जिसने बैंक करप्सी रातों रात डिक्लेयर कर दी. मतलब के ऐसा समझो कि HDFC या SBI बैंक है अपनी इंडिया की, आज आप गए, सब कुछ सही, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, और रिटर्न आपने आपके पैसे डिपॉजिट सब कुछ कर दिया, सब कुछ किया, एंड देन नेक्स्ट डे अचानक SBI का शटर बंद हुआ और कभी खुला ही नहीं. ऐसा काइंड ऑफ थिंग हुआ था. देन मुसीबत आई तो थप्पड़ फाड़ के सत्यम का स्कैम इंडिया में हुआ, ये सब हुआ. फिर मार्केट 60% जितना गिर गया था, वापस मार्केट बढ़ा, देन मतलब रिकवर हो गया, फिर वापस थोड़ा बहुत करेक्ट हो के. इफ यू सी हियर, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी अपॉइंट हुए थे, बाद में मार्केट वापस ऊपर आया, 40,000 तक पहुंचा, एंड अगेन कोविड बूम, मार्केट गिर गया, वापस बढ़ के अभी 60,000 आ गया. तो अभी शेयर मार्केट का ना एक सबसे बड़ा कहना है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. तो अभी तक जो देखा हम लोग ने हिस्ट्री में कि मार्केट जब भी गिरता है रिकवर होके आ जाता है ऊपर, मतलब कि इनहेरेंट नेचर जो है मार्केट का, इट इज टू गो अप. अगर मुसीबत आ रही है, करेक्शन आ रहे हैं, तो फिर अच्छी, मतलब खराब न्यूज आ रही है, कुछ खराब हो रहा है, तो साथ में फिर कुछ उसका सोल्यूशन भी तो निकलेगा, कुछ बाउंस बैक होगा, कुछ अच्छी न्यूज भी आएगी. कोविड आया तो उसके साथ वैक्सीन भी आई, करेक्ट, उसके साथ पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज निकाली विच हेल्प सब कुछ रिकवर होने के लिए, करेक्ट. तो मतलब कि कुछ भी टेम्प परमानेंट नहीं है. अगर मार्केट एकदम बुल रन में, तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी आएगा, और थोड़ा बहुत करेक्शन आता भी है तो वापस मार्केट ऊपर भी आएगा, करेक्ट. तो अगर आप ऐसे टाइम में, अगर आपको पता है कि अभी इनहेरेंट नेचर तो मार्केट का है कि ऊपर जा रही है, तो अगर आपने एक अच्छी कंपनी जो इन इवन इफ उसका बिजनेस थोड़ा एक दो क्वार्टर, एक दो साल तक लॉस में चला गया, उसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो वापस बिजनेस को खड़ा कर देगा, अच्छा कर देगा, अगर वैसी अच्छी कंपनी, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा डिमांड वाली कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिस्क मिनिमाइज तो हो जाएगा. ठीक है, ऐसा तो नहीं होने वाला कि आपका कैपिटल जितना डाला है जाके जीरो हो जाने वाला है. डू यू अग्री कि रिस्की है, पर इतना रिस्की नहीं है कि हम लोग इन्वेस्ट ही ना कर सके. रिस्क मिनिमाइज तो हो सकता है अगर हम अच्छे से रिसर्च करके अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो वेल्थ क्रिएट हो सकती है. यस और नो? इफ यू कुड जस्ट अनम्यूट एंड से अग्रीड. We have a response. ओके, तो ये पूरा जो जर्नी है इसमें टिके रहने के लिए सिर्फ एक ही चीज, एक ही स्लोगन, एक ही गोल्डन रूल है, पेशेंस इज द की. वॉरेन बुफेट सेज द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इनपेशेंट टू द पेशेंट. वेरी ट्रू. अभी अगर आपको लाइव एग्जांपल दूं ये चीज का, अगर ये पूरा जर्नी फॉल्स वगैरह वो सब में टिके रहना है तो पेशेंस के साथ रहना पड़ेगा, तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो. अगर मार्केट 60% गिरा और आपने डर के सब कुछ बेच बाज के निकल गए तो नहीं होगा. अगर लाइव एग्जांपल दूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री 2000, अगर आप यहाँ पे देखो तो 2009-10 के बीच में से लेकिन 2017 तक एक ही रेंज में था, 325 to 573 के रेंज में. इसमें कितने सारे इन्वेस्टर्स रह गए जो कंटाल के, परेशान हो गए, यार ये कंपनी का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, ये कंपनी में बढ़ता ही नहीं है, शेयर एक ही जगह पे खड़ा है, ऐसा करके निकल गए रह गए. एंड राइट नाउ इट इज एट 2400, 5x मनी हो गया रहता अगर जो इन्वेस्ट करके टिका रहा रहता. जो निकल गए वो अभी भी बोल रहे हैं, मेरे चाची ही है जो, मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, ये कीप सेइंग लाइक मैंने, पता है 400 में रिलायंस का शेयर लिया था, कुछ बढ़ नहीं रहा था तो मैंने बेच दिया, अभी रखा रहता तो यार कहाँ होता मैं. मतलब कि जो निकल गए वो रिग्रेट कर रहे हैं, पेशेंस के साथ जो होल्ड कर रहे हैं, दे आर सिटिंग ऑन अ गुड वेल्थ,
राइट. तो पेशेंस एक ही चीज है जो ये जो करेक्शंस, फॉल्स, रिस्क, वो सब के वो रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आप पेशेंस के साथ अच्छी कंपनीज को होल्ड कर रहे हो, राइट. तो नेक्स्ट मिथ के ठीक है, चलो गैम्बलिंग भी नहीं है, रिस्की भी नहीं है, पर पैसा यार बहुत लगता है इसके अंदर. अगेन ये सबसे बड़ा मिथ है, बिकॉज अगर आप देखो वॉरेन बुफेट ने जब स्टार्ट किया था, व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड, तभी उन्होंने स्टार्ट किया था. ही बॉट 3 शेयर ऑफ सिटी सर्विस करके शेयर था उसका, $38 पर शेयर का 3 शेयर लिए थे. इंडियन वॉरेन बुफेट अपने राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में स्टार्ट किया था, मतलब मे बी जस्ट कॉलेज से निकले रहेगा तभी स्टार्ट किया रहेगा. एंड ही बिगेन विथ 5,000 का कैपिटल से. अगर और एक लाइव एग्जांपल दूं तो गौतम सर, आपने कितने कितने मनी से स्टार्ट किया रहेगा कैपिटल, इफ यू कुड शेयर. माय माय स्टार्ट, मैंने शुरुआत की थी 22,000 रुपए से, 22,000 रुपीज, दैट्स द राइट ओनली सेविंग आई हैड, सो आई डिड दैट। राइट. अगर और कोई भी यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, इफ यू कुड शेयर कि आपने कितने अमाउंट से स्टार्ट किया था. मैंने खुद ने कुछ 5,000 या 6,000 से स्टार्ट किया था, राइट. तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. अगर आपको लाइव एग्जांपल और एक दूं, तो आप डोमिनोज जाते रहेंगे, राइट. तो डोमिनोज में एक बारी में जाते तो कितना बिल होता है, एक बार आप गए डोमिनोज का एक पिज्जा भी खाया तो कितना बिल होता है, 100 200, चलो मिनिमम पिज्जा भी 60 रुपए का आता है अगर सिर्फ एक नॉर्मल साइज पिज्जा लिया तो. अगर वही पिज्जा खाते खाते आपने डोमिनोज का, जुबिलेंट फूडवर्क इज द कंपनी, तो अगर उसका एक शेयर लिया रहता तो 2010 मतलब 10 साल पहले ये शेयर था ₹80 का. एंड राइट नाउ दिस शेयर इज ट्रेडिंग एट 4,116 रुपीज, राइट. प्लीज डू द मैथ कि आपने 5,000 रुपये 2010 में इन्वेस्ट किए रहते, ₹80 के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए कितना क्वांटिटी रहता आपके पास, एंड अगर आपने वो अभी तक होल्ड किया रहता तो कितना प्रॉफिट के ऊपर आपके पास कितना प्रॉफिट होता, ठीक है. तो जस्ट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इतना ही अमाउंट चाहिए, या कि मुझे 1 या 2 लाख चाहिए, 2 3 लाख चाहिए तो ये मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. यू कैन स्टार्ट विथ मिनिमम कैपिटल एज वेल, एंड आई वुड से कि मिनिमम कैपिटल एकदम छोटा कैपिटल से ही स्टार्ट करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द मार्केट बेटर. अगर ज्यादा कैपिटल से अगर स्टार्ट करते तो इमोशंस वो सब बीच में आता है, यार मेरा 1 लाख रुपया 80,000 हो गया, 20,000 चले गए मेरे, तो वो एक डर वो सब आता है. एकदम छोटे कैपिटल से स्टार्ट करोगे तो पेशेंस के साथ होल्ड भी कर पाओगे, और एकदम लॉस हुआ तो ऐसा एकदम डर के निकल भी नहीं जाओगे. तो बेस्ट वे इज टू स्टार्ट विद अ स्मॉल कैपिटल. देन Your नेक्स्ट voice मिथ इज, sometimes is going down. ओह शिट सॉरी. ओके अभी बराबर आ रहा है क्या सर. Yes, better. ओके. तो नेक्स्ट पीपल से के ठीक है, तुम तो ये सब बोल रहे हो बिकॉज तुम लोग तो फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, मतलब आपने कॉमर्स पढ़ा रहेगा, एमबीए वगैरह किया रहेगा, तो इसके लिए आप लोग बोल रहे हो. बट व्हाट अबाउट अस, हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम लोग तो ये बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम कैसे करें स्टार्ट. तो इसका भी लाइव एग्जाम्पल दू तो गौतम सर का एग्जाम्पल देती हूँ. गौतम सर आपने क्या मतलब व्हाट हैव यू स्टडीड. क्यों हर टाइम मेरा एग्जांपल ले रहे हो, बट जस्ट फॉर द अरे नॉलेज सर ऑफ आप इंस्पिरेशन हो एवरीवन, मेरे. अरे थैंक यू सो मच। आई एम अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, जस्ट फॉर एवरीवनस नॉलेज। राइट. तो सर ने जब भी स्टार्ट किया था, राइट नाउ ही इज आल्सो सीएससी सीएम, बट जब भी उन्होंने इनिशिएट किया था, जब उनको तभी कुछ फाइनेंस का नॉलेज नहीं था, उनको इंटरेस्ट आया, उन्होंने सब स्टडीज किया, बट इनिशियली सिर्फ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट थे, राइट. तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जस्ट मार्केट में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए ऑल यू नीड इज कॉमन सेंस. सिर्फ जो भगवान ने गिफ्ट किया है, आँख कान भी खुले रखे तो भी हम लोग अच्छा खासा एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, दिस इज ऑल्सो सेड बाय पोरिंजू वेल्लियात. पोरिंजू वेल्लियात फर्स्ट स्लाइड में ही हम लोग ने मैंने बताया कि कौन है. तो वॉट ही सेज इज, वन ओनली नीड्स कॉमन सेंस टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट. फॉर एग्जाम्पल आप उठते हो, फिर सबसे पहले क्या करते हो, ब्रश करते हो, तो टूथपेस्ट यूज करते रह गए. कोलगेट इज द कंपनी, कोलपाल करके एक लिस्टेड कंपनी है. सेशन खत्म होने के बाद प्लीज पक्का उसका देखना कि कौन उसके फाउंडर्स है, किसने स्टार्ट की थी कंपनी, क्या प्रॉफिट्स वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत सिर्फ उसका एनालाइज करना. एक मनी कंट्रोल साइट मैंने दिखाई थी, 2 3 साइट दिखाई थी, उसके ऊपर सिर्फ देखना, ठीक है. देन नेक्स्ट आप ब्रश कर लिए, फिर
उसके बाद क्या करोगे, नाश्ता करोगे? तो नाश्ता में गुड्डे तो सबने खाए रहेंगे, लिटिल हार्ट ये सब बिस्किट सबने खाए रहेंगे। सो वो जो ब्रेकफास्ट करते हो उसके लिए जो कंपनी, ये जो प्रोडक्ट जो बनाती है, ब्रिटानिया, दैट इज ऑल्सो एन लिस्टेड कंपनी, राइट? तो ऐसे अभी आप डीमार्ट जाते रहेंगे, एवेन्यू सुपरमार्केट करके कंपनी है जो लिस्टेड है। देन आप डोमिनोज का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स इज अ लिस्टेड कंपनी। तो आपको बस देखना है कि आसपास क्या हो रहा है। अगर आप एवरी मंथ सपोज डीमार्ट में ग्रोसरीज लेने जाते हो, तो कुछ मंथ आप देख रहे हो कि पहले तो इतने लोग नहीं दिखते, अचानक बहुत ज्यादा लोग दिखने लगे, मतलब डिमांड बढ़ रही है, राइट? तो बस आजू बाजू, अगर एक, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जाके उसका शेयर ले लो, उसके लिए थोड़ा बहुत फंडामेंटल वो सब नॉलेज भी होना चाहिए। वो लोग वो चीजें भी हम लोग सीखेंगे, पर टू स्टार्ट विद, टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्या शेयर प्राइस है, कहाँ से स्टार्ट हुई, वो एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए दिस इज द बेस्ट वे कि आसपास देखो कि आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट, एंड वेदर दैट कंपनी इज लिस्टेड और नॉट, एंड उसका थोड़ा बहुत आप रीडिंग करो, राइट? तो डू यू अग्री कि फाइनेंस नॉलेज कंपल्शन नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने? लॉजिक के साथ, कॉमन सेंस के साथ वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, डू यू अग्री? Yes, we have a response. थैंक यू। तो अभी आप बोलोगे कि ठीक है, फाइनेंस नॉलेज नहीं चाहिए, रिस्की नहीं है, सब कुछ बराबर, पर कितने शेयर्स लूँ मैं पोर्टफोलियो में? अभी वॉरेन बुफेट बोलते हैं कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फिर एंड्रू कार्नेगी जी बोलते हैं कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड देन वॉच दैट बास्केट केयरफुली। बट सब अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, तो मुझे कितने शेयर्स लेने चाहिए? मतलब कि कहना क्या चाह रही है लोग, दे आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप थोड़ा शेयर्स में डालो, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालो, थोड़ा स्मॉल केसेस में डालो, ऐसा 1 लाख रुपया एक ही चीज में मत डालो, अलग अलग चीज में डालो। और उसमें भी अगर आप एक असेट क्लास पकड़ रहे हो, सपोज आप शेयर्स पकड़ रहे हो, तो शेयर्स में भी अलग 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 सेक्टर्स में डालो। सेक्टर्स अगर आपको नहीं पता है, तो वो भी लास्ट वेबिनार में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो प्लीज गो एंड चेकआउट दैट। तो अलग 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 सेक्टर्स में डालो, मतलब कि एक आपने सपोज बैंक ले ली, एक आपने एफएमसीजी सेक्टर मतलब कि आईटीसी हो गया या ब्रिटानिया हुआ वो ले लिया, एक ऑटो सेक्टर्स में से ले लिया मतलब कि हीरो मोटर कॉर्प ले लिया, ऐसा कुछ अलग 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 कंपनीज में डालो। तो अभी वॉरेन बुफेट ऐसे बोले कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि एक ही शेयर में मत पूरा पैसा डालो, अलग 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 शेयर में डालो, मतलब 10-15 स्क्रिप्ट ले लो और फिर अलग अलग शेयर में डालो। और एंड्रू कार्नेगी जी बोल रहे हैं कि पुट ऑल योर एग्ज इन वन बास्केट, मतलब 4-5 शेयर्स ले लो, ज्यादा शेयर्स में, मतलब ज्यादा डाइवर्सिफाइड मत करो अपना पोर्टफोलियो, नहीं तो आप ध्यान नहीं रख पाओगे। मतलब कि अगर आपके पास 20-30 शेयर्स है, तो आप देख नहीं पाओगे कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ध्यान भटकेगा, कितनी चीज आप मैनेज करोगे, ठीक है? तो उससे अच्छा थोड़े शेयर्स लो और उसमें देखो कि भाई सब बराबर हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। तो दैट इज वॉट एंड्रू कार्नेगी जी इज सेइंग। तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा अप्रोच राइट है, वॉरेन बुफेट का कि एंड्रू कार्नेगी जी का? व्हाट डू यू थिंक, अकॉर्डिंग टू यू विच अप्रोच इज राइट? We have a answer. Warren Buffett. व्हाट आर राइट? We have सो also आई answered. वुड People are confused. राइट, तो दोनों अप्रोचेस राइट है आई वुड से। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, और इसका एक मिड वे भी है कि मिनिमम अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 5 शेयर में तो कीजिए। वाई? बिकॉज 5 शेयर तो एटलीस्ट रखिए पोर्टफोलियो में, बिकॉज अगर आपने 2 या 3 या 1 ही लिए शेयर, तो अगर वही लॉस में चला गया या उसमें ही आपका कैपिटल पूरा इंफ्यूज हो गया, तो वो भी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो एटलीस्ट मिनिमम 5 शेयर होना चाहिए, और मैक्सिमम 15 से 20 शेयर, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, या फिर तो फिर आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। एंड्रू कार्नेगी जी भी सही बोल रहे हैं और वॉरेन बुफेट भी सही बोल रहे हैं कि एकदम कम शेयर्स भी नहीं होने चाहिए और एकदम ज्यादा शेयर्स भी नहीं होने चाहिए कि आप वो चीज को ट्रैक ही ना कर पाओ, राइट? तो एक मिड वे है कि आप मिनिमम 5 शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 20 शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ चलो, शेयर्स का भी पता चल गया, एंट्री ले ली अपन को, कंपनी भी पता चल गई, शेयर भी पता चल गई कौन से पोर्टफोलियोज में कितने रखने हैं,
नाउ व्हाट अबाउट एग्जिट, एग्जिट कब लेनी है, क्योंकि एग्जिट तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इफ यू लाइक गो टू वॉच अ मूवी, तो वहां पे सिर्फ दो, पूरा सब कुछ हर जगह पे अंधेरा रहता है, सिर्फ दो ही चीज लाइट, मतलब दो ही चीज शाइन करती रहती है, दो ही चीजें रहती है, एक तो मूवी देख रहे हो तो स्क्रीन, एंड दूसरी एग्जिट, राइट. अगर आप प्लेन में भी जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या बताया जाएगा कि आगे के दो द्वार यहाँ पे है, पीछे के दो द्वार यहाँ पे है, कुछ भी होगा, आग लगी कुछ भी हुआ तो यहाँ से आपको एग्जिट लेना है, बराबर. तो एग्जिट इज हर जगह पे इम्पोर्टेंस दिया है कि कभी भी कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी आप आग वगैरह में फंस रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो आपको सबसे पहले एग्जिट दिखाई जाती है कि यहाँ से आप निकल जाओ, यहाँ से आप बच जाओगे, करेक्ट. तो शेयर मार्केट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टाइम पे आप एग्जिट ले लो, राइट टाइम पे मतलब प्रॉफिट या लॉस बुक कर दो. तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट वी विल जस्ट टच अपॉन वन वे ऑफ डूइंग इट, बिकॉज बाकी सब में थोड़ा सा टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स का नॉलेज चाहिए होता है. तो वन वे ऑफ एग्जिटिंग इज कि सपोज आपने एक परसेंटेज डिसाइड कर लिया कि सपोज मैंने अभी एक शेयर लिया है, वो 30% ऊपर जाता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा, मतलब कि इवन इफ वो शेयर, मतलब 100 रुपीज का शेयर लिया, वो 130 जाता है तो आप बुक कर लोगे प्रॉफिट. इवन इफ फिर आके राकेश झुंझुन वाला या कोई भी आपका फ्रेंड कोई भी आके बोले कि भाई ये शेयर और 15% ऊपर जाएगा, और 20% ऊपर जाएगा, कुछ भी हो जाए, मैं लालच में नहीं आऊंगा और 30% पे बुक कर दूंगा. और दूसरा, अभी ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी दो पॉसिबिलिटीज रहती है, एक प्राइस है वो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है. अगर ऊपर गया तो आपने 30% पे आपने सोचा कि बुक कर लूंगा, और अगर नीचे आया 100 रुपीज से नीचे आया तो अगर 15% लॉस दिखा मुझे तो मैं बुक कर दूंगा. कितना भी लोग बोले कि यार ये पागल है, लॉस में निकल रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, शेयर आ जाएगा ऊपर, अक्ल ही नहीं है, कितना भी बोले मैं वहां पे लॉस बुक करके निकल जाऊंगा, भले मेरे को खुद को दुख हो रहा है. तो ये एक तरीका हो कि आपने एक परसेंटेज डिसाइड कर लिया, फिर नीचे आया तो डर के मारे इमोशंस में भी आप वो चीज आप मतलब एग्जिट नहीं कर, एग्जिट कर देते हो और इमोशंस बीच में नहीं आने देते हो. एंड एक 30% अगर ऊपर के साइड जाता है तो ग्रीड या कुछ भी लालच में आके आप होल्ड नहीं करो, 30% पे एग्जिट कर देते हो. ये सिर्फ एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, पर उसके लिए थोड़ा टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स का नॉलेज चाहिए होगा, तो वी विल गो इन टू दैट ऑल्सो, मतलब धीरे धीरे अपकमिंग सेशन में वो भी कवर करेंगे. बट फॉर नाउ वट वी वॉन्टेड टू क्लैरिफाई कि ये बहुत सारे मिथ है, मिसकंसेप्शन है, बट जस्ट वी वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दिस. तो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप आपके मिथ थोड़े बहुत जो दिमाग में थे वो क्लैरिफाई हुए हो. Again, from all of us here, the idea is to not have a session, a very big session. हमारी कोशिश यह है कि basic सवाल जितने भी आपके मन में आते हैं about investing, we will highlight those. आपके मन में अभी कुछ सवाल है, I request anyone to please ask if anyone has any questions. किसके मन में अगर कुछ सवाल है अभी भी about basic of investing, मतलब to start, मतलब I want to take my मुझे मेला मेरा पहला स्टेप लेना है, इन्वेस्टिंग करना है स्टॉक मार्केट में, पर हूँ. तो या हेलो, यस अनिल सर. हाँ सर, अभी जो इश्यू चल रहा है मार्केट में चाइना के रियल एस्टेट कंपनी का, तो मैंने आज भी देखा न्यूज में, तो लाइक दे आर सेइंग लाइक इट्स लाइक लीमन ब्रदर इश्यू है. लीमन ब्रदर में क्रैश हुआ था तो मार्केट 67% डाउन हुआ था. सो उस कंपनी की तो हालत बहुत खराब है, वीडियो में दिखा रहे थे. तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी पैसा लगाना चाहिए कि वेट करना चाहिए, या आपका फंडामेंटल या टेक्निकल क्या बोलता है कि ये डाउन ट्रेंड कभी शुरू होगा, या कुछ भी बोल रहे सकते हैं, बेयर मार्केट रिसेशन जो भी बोल रहे हैं, कभी शुरू हो सकता है आपके हिसाब से, टेक्निकली फंडामेंटली बोथ वे? थैंक यू. यू वांट टेक इट अप चार्ली? यस. तो बेसिकली आप जो इशू बोल रहे हो एवरग्रैंडे का जो इशू है, 100% अगर वो वहां पे होता है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा. बट ये न्यूज आई थी सम डेज बैक कि वो बैंकरप्सी के लिए, मतलब बैंकरप्सी डिक्लेयर करने वाले हैं, बट ऑल्सो गवर्नमेंट ने उनको 3-4 साल दिए हुए हैं टू लाइक
जो भी चीजें मतलब जो इश्यूज है वो सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम वो लोग को परमिट कर दिया गया है, राइट? तो अभी आप जो बोल रहे हो कि आप टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर कैसा होता है कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट. ये आपने 1000 बार सुना रहेगा, बट दैट इज ट्रू कि यू कैन नॉट टाइम द मार्केट कि अभी कभी मार्केट फॉल करेगा. सॉरी, तो यू कैन नॉट टाइम द मार्केट कि अभी मार्केट फॉल करेगा या फिर मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा. टॉप या बॉटम पता नहीं लगा सकते. इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट. आपने एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट की, आपने बाई की, देन अगर आपको वो और चीपर रेट में मिल रही है तो यू बाई मोर. दैट इज हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड. आपको क्या लगता है कि ये जो राकेश झुनझुनवाला वो सब है, वो सिर्फ एक प्राइस पे बाई करके नहीं रख रहे? जब जब डीप आता है दे बाई मोर एंड क्रिएट वेल्थ, राइट? इफ गौतम सर, इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू से प्लीज. श्योर। सो देखिए अनिल जी, मैं आपका आपके सवाल को थोड़ा और ऐड करके बताता हूँ। मार्केट इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड इंडिकेटर, मतलब ये अगर आपको लगता है कि ये न्यूज आया है और अभी आगे जाके कुछ खराब होने वाला है, अगर कुछ होने वाला होता तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता इंडियन मार्केट में। सो दैट्स माई वन थिंग। मैं ज्यादा पर्सनली इन इन सब न्यूज पे इतना विश्वास नहीं करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ अपने अपनी स्टडी पे, अपने रिसर्च पे अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी। अगर मेरा रिसर्च कंटिन्यूअसली अच्छा हो रहा है उन कंपनीज के बारे में, देन हाँ देर विल बी टफ टाइम्स, बट आई विल स्टे इन्वेस्टेड इन द कंपनीज। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बातें नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म चेंजेस की बातें नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो थोड़ा एडवांस लेवल की बातें हैं। आई हैव टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन द चैट विच आई वॉन्ट टू एड्रेस। एक कृष्णाकांत, थैंक यू दैट यू हैव आस्क्ड सिंपल क्वेश्चन, हाउ टू डिसाइड इन द लॉन्ग रन वॉट कंपनी टू सर, इन्वेस्ट। 1 मिनट सर, यस सर, यस अनिल, बट सर लाइक लीमन ब्रदर वाज अ बिग थिंग, लाइक मार्केट 67% क्रैश हुआ, राइट? यस आई अग्री। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट आई गॉट योर पॉइंट अनिल जी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो भी थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स टू सो आई एम जस्ट सेइंग मार्केट हैज द एबिलिटी। मार्केट में आप अगर अच्छी तरह पढ़ाई करोगे और अगर मार्केट को ठीक तरह से समझोगे, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं ना अनिल जी, दे वर एबल टू एग्जिट अ लिटिल बिफोर अ वेरी बिग मार्केट क्रैश इन द सिस्टम। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, मैं आपका सवाल समझता हूँ और मैं आपका इमोशन समझता हूँ। मैं अंदर से आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक्चुअली मेरा सजेशन नहीं है, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये करते हैं कि अगर आपके मन में डर है अभी फिलहाल, देन यू शुड स्टे अवे फॉर सम टाइम टिल यू फील, विच इज एक्चुअली नॉट अ राइट थिंग टू डू, बट द ओनली आंसर एट माई सीट इज दिस दैट अगर आपको लगता है कि इसका इफेक्ट, मेरे हिसाब से अगर मेरा मेरा आंसर मतलब मैं क्या करूंगा इज वॉट यू वॉन्ट टू नो, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड द इंडियन आई मीन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे आगे फ्यूचर ग्रोथ है। ये छोटे मोटे तकलीफें होंगी, बट दैट्स ओके, आई विल स्टिल बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट। दैट्स द पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई डिसाइड इन लॉन्ग बट रन। सर उनको 3 साल लग गया, उनको 3 से 4 साल लग गया, मतलब क्रैश के बाद फिर ऊपर आना, तो 4 साल तो जीरो रिटर्न हुआ, नेगेटिव रिटर्न ही हुआ ना, मैं नहीं वो बोल रहा हूँ। मैं समझ गया था। आप देखिए सर, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप भी प्लेटफॉर्म पे हैं। करेक्ट। मैं बाकी तो मेरे को जो फीलिंग है वो तो फिर तो कोई बात ही नहीं हुई, तो फीलिंग से हिसाब से करना है तो फिर उसमें एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं। करेक्ट। सो देखिए, आप जो बोल रहे हो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की ही जरूरत है, जहां पे आप आपका एग्जिट, अगर आप देखिए देयर आर पैरामीटर्स, पढ़ाई करने वाले पैरामीटर्स है जो एग्जिट कब करनी चाहिए ये डिफाइन करते हैं। अगर आप उन पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे तो आपका चांसेस इन सिचुएशन में नहीं होना विल बी मच वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। एंड वी हैव सीन दैट इन द पास्ट। मैं कुछ बड़ा ही नहीं करना चाहूंगा, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मतलब दिस इज नॉट अ सेलिंग सेशन फॉर मी, दिस इज एन एजुकेशन सेशन फॉर मी, बट वी रन अ फंड कॉल्ड फोकस 20। जस्ट टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हम 2009 के क्रैश में, 8-9 के क्रैश में थे नहीं, पर ये कोरोना के समय हम डेफिनेटली थे। तो
जब मार्केट 2020 में गिरा, ट्रस्ट मी फेब्रुआरी एंड मतलब मार्च 23rd वाज व्हेन द लॉकडाउन वाज डिक्लेयर्ड एंड उसके बाद मार्केट में सेल ऑफ चालू हुआ. बट आवर सिस्टम हैड ट्रिगर्ड अस टू एग्जिट ऑल आर पोजिशंस मोटा मोटी अराउंड लास्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. वी ऑल्सो डिड नो. सो वी फॉलो अ रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग मैकेनिज्म जहां पे हमने ऐसे क्रैशेस से अपने आप को कुशन करने के लिए या दूर रखने के लिए मैकेनिज्म्स बनाई हैं. एज ऑफ टुडे मतलब एज ऑफ यस्टरडे कल सॉरी एज ऑफ फ्राइडे द सिस्टम इज स्टिल टेलिंग अस दैट देयर इज नथिंग मेजर टू पैनिक फॉर अस टू एग्जिट. अगर ऐसा कुछ पैनिक वाली बात होती तो हमको सिस्टम ने बताया होता. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी हैव डेवलप्ड अ मेथड एंड अ मैकेनिज्म जिस जो डिफाइन करता है कि एग्जिट कब करना है. पर आई थिंक अनिल जी आई विल शेयर माय पर्सनल नंबर विद यू. अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वी कैन हैव अ वन टू वन डिस्कशन एंड वी कैन सॉल्व दिस पॉइंट. दिस वेबिनार इज डेफिनेटली फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग मतलब पहला स्टेप ले रहे हैं और उनको कंफ्यूजन है. अनिल जी मैं लास्ट में आपका सवाल के लिए डेफिनेटली आऊंगा और वी कैन डेफिनेटली डू दिस ऑफलाइन. आई विल कॉल यू एंड वी कैन हैव अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन. आई कैन शेयर नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स विद यू. जगन्नाथ सर आई विल डेफिनेटली कम टू यू. देर आर क्वेश्चंस इन लाइन. थैंक यू सो मच दैट पीपल आर आस्किंग अस लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे. कृष्णकांत सर एंड निकिता आई टेक बोथ योर क्वेश्चंस बिकॉज दे आर नियरली सिमिलर. हाउ टू डिसाइड लॉन्ग रन कंपनी टू इन्वेस्ट. आई एम वेरी मच न्यू इन फॉर दिस कंसेप्ट बट वॉन्ट टू स्टार्ट. हाउ डू आई स्टार्ट विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट. नाउ जो भी बिगिनर्स हैं इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बिगिनर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल है. तो एज अ तो बिगिनर्स के लिए हमने कहा है आपको कि जो चार्मी ने आपके प्रेजेंटेशन में भी कवर किया दैट फोकस ऑन यूजिंग योर कॉमन सेंस. वॉट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू. आप जैसे मॉर्निंग में आपने ब्रश किया तो कोलगेट है. कोलगेट इज अ लिस्टेड कंपनी. क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ने वाली है लोग ब्रश करेंगे तो कोलगेट का भाव कोलगेट डेफिनेटली कंज्यूम होगा तो भाव उसका बढ़ना है. अभी यहाँ पे ना वी आर नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि आप पढ़ाई करो वो स्टॉक के बारे में ये करो. आप अगर अपना कॉमन सेंस भी यूज करोगे सिंपल थिंग्स लाइक आप कौन से बैंक में आपका अकाउंट है. कोई बोलेगा SBI कोई बोलेगा HDFC. सो इवन इफ यू सी दैट कि दीज आर टू स्ट्रॉन्ग बिग नेम्स वन इन द प्राइवेट सेक्टर वन इन द पब्लिक सेक्टर. यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट योर मनी इन दैट. देखिए हर एक चीज में खराब होने वाली है. मतलब कोई ये भी बोल सकता है मेरा येस बैंक में अकाउंट है तो क्या मुझे येस बैंक में जाना चाहिए. तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि येस बैंक इतने बड़े खराब सिचुएशन में है तो नहीं मतलब कॉमन सेंस है कि आई विल नॉट इन्वेस्ट इन येस बैंक. बट सिंपल सिंपल थिंग्स लाइक आप कौन सी गाड़ी चलाते हो या आपके पास कौन सी गाड़ी है. लेट्स इट मे बी अ मारुति और अ टाटा वॉट एवर. अगर वो इंडिया में लिस्टेड है डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ और आपको वो प्रॉमिसिंग लगता है इन्वेस्ट इन दैट. अब ये होता है जब आप बिगिनर हो. सो कृष्णकांत टू आंसर योर क्वेश्चन इज वॉट एवर कंपनी यू सी अराउंड यू जो बड़ा बिजनेस कर रही है. आईटी में now you work for L&T if I am right. So if L&T has so many other businesses so and it's such a big name why not L&T. Here at a beginner level it's not about aap kitna deep mein padhai kar rahe ho. It's about how much common sense you're using. The second level is intermediate. Wahan pe aapko you have to use some level of matlab ab mere paas itne hi paise hain to main मुझे अब पांच ही कंपनीज के शेयर में ले सकती हूँ या ले सकता हूँ. निकिता टू आंसर योर क्वेश्चन कि यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी कि आपको इतना इन्वेस्ट करना है. एट दैट टाइम अगर आपके दिमाग आपके कॉमन सेंस के लिस्ट में अगर 10 कंपनी के नाम आते हैं देन यू हैव अ चॉइस कि आपको इसमें टॉप 3 कौन सा लगता है उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा या आपको वो समय थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो दैट व्हाट विच कंपनी टू इन्वेस्ट. लुक
in this platform, it will be very difficult for me to name any companies because there are many good companies. Yeah, intermediate level pe ho, then you can look at, look, market mein aap agar kabhi bhi online jaoge, to you will see Sensex or Nifty. So to be on the safer side, aapka common sense use karke, aur Sensex aur Nifty mein kaun si achhi companies hain? You have to only look at 50 companies. 50 companies mein se aapko 3 ya 4 company mein aapke paise lagane hain. So you can look at that and you can decide which company to invest your money for the longer duration. So that is very important. That is how you can think. Thank you, Gautam. Thank you, Nikita. Sir, I would like to add something here. Please. Yes. तो अभी और एक तरीका होता है कि जिसकी प्रोस्पेक्ट डिमांड आपको दिख रही है कि आगे चांसेस है कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी, अभी इतनी नहीं है पर आगे जाके बढ़ेगी. जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में बहुत बातें की जाती है कि ईवीज पे शिफ्ट हो जाओ, गवर्नमेंट ऑल्सो टैक्स डिडक्शन दे रही है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स देंगे तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करने वाली है वो कंपनी, प्लस उसको जो सप्लाई करेगी जैसे कि उसका टायर्स हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, वैसी भी बहुत सारी कंपनीज है, पीएम इंडस्ट्रीज, फिर बहुत सारी कंपनीज है जो लिस्ट करती है, देन जो चार्जिंग स्टेशन रखेगी टाटा पावर, वो सारी कंपनीज हो गई, देन कंपनीज हु इज गोइंग टू सप्लाई बैटरीज, राइट, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, यस कृष्णकांत सर, बैटरीज जो सप्लाई करेगी, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, देन अमर राजा बैटरीज है. तो आपको एक, अब अगर कोई एक सेगमेंट दिख रहा है, कोई एक सेक्टर दिख रहा है जिसके प्रोस्पेक्टस चांसेस बहुत है कि आगे जाके बहुत ग्रो करने वाली है, तो वैसे आप डिमांड अगर एक फोरकास्ट कर रहे हो तो वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो. तो ऐसे भी रिसर्च स्टार्ट होती है, एक जो आपको आसपास दिख रहा है, एक जो चांसेस है कि बहुत बढ़ेगा, अभी नहीं दिख रहा है पर चांस है कि ये आगे जाके बहुत बढ़ेगा, ऐसे भी आप सोचने का एक अप्रोच है जो सोच सकते. एंड हमने इसके आगे आपको बताया ही है कि आपने इन्वेस्ट किया तो आपको उसको टारगेट रखना है, अगेन एट अ बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल. और अगर भगवान ना करे अगर वो नीचे आने लगा या कुछ रिस्क, देखो गवर्नमेंट ने आज कुछ फेवरेबल रूल्स निकाले हैं बट अगर कल कुछ नेगेटिव हो गया, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट गोइंग टू हैपन टुमारो, राइट. अगर कुछ ऐसा होता है देन यू नो, देखिए हम एक ही चीज जानते हैं, कॉमन सेंस यूज करिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करिए बट आंखें बंद मत रखिए. हेलो, यस सिद्धि, हाँ मेरा एक सवाल है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए? जैसे कि आपने कहा था कि कुछ जब रिलायंस का आपने एग्जांपल दिया था और आपने कहा था कि पेशेंस रखना चाहिए इन्वेस्ट करके रुको करके, या फिर डेली ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में ज्यादा कमा सकते, तो व्हिच इज बेटर ऑप्शन? कैन यू ऑल टेक दैट? या सो इसका आंसर ना मुझसे ज्यादा बेहतर आप ही खुद को दे सकोगे. दिस इज बेसिकली नो योर सेल्फ वाला फंडा हो गया. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टिंग क्या है, वो थोड़ा समझा देती हूँ. ट्रेडिंग में तीन टाइप होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या, आज ही लिया आज ही बेचा, मतलब 9:15 को मार्केट चालू हुआ, 3:30 तक आपने बेच दिया और खत्म हो गया, ठीक है. एंड स्विंग ट्रेडिंग मतलब आज भी और 3-4 दिन के बाद आपको बेचना है. तो अभी इतने जितने छोटे टाइम पीरियड के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट ट्रेडिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और फिर चले गए आप कहीं पे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये नहीं चलता. फिर उसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इमोशंस बीच में नहीं ला सकते हो. तो ट्रेडिंग इस हिसाब से होती है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, आपने एक कंपनी के बारे में बहुत रिसर्च किया, यू नो दिस कंपनी इज गुड, जिसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, एंड नाउ यू बॉट इट एंड यू आर होल्डिंग इट फॉर अ डिकेड. आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में नहीं निकल रहे हो ना, 1-2 साल में निकल रहे हो, आप एक डिकेड के लिए उसको रखने के लिए सोच रहे हो, ठीक है. तो ये दो अप्रोचेस हैं, अभी आपको देखना है कि आप कहाँ पे फिट हो रहे हो. आप दोनों स्टार्ट कीजिए, शायद आप दोनों में भी फिट हो जाओ, दोनों में आपको जमे, या फिर ऐसा सकता है कि आपको ट्रेडिंग में बहुत इमोशंस वो सब बीच में आ रहे हैं, इवन इफ यू आर राइट, यू आर थिंकिंग दैट दिस शेयर इज गोना गो अप, और आप पहले ही बुक करके प्रॉफिट निकल जा रहे हो या लॉस में निकल जा रहे हो, आप इमोशंस बीच में आ रहे हैं, नहीं जम रहा है, या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है इतना, देन यू आर गुड फॉर इन्वेस्टिंग. सो डिपेंड कि आप किस में फिट होते हो, दोनों अच्छा है, ट्रेडर्स भी सक्सेसफुल है दुनिया में और इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे जो सक्सेसफुल है. नाउ व्हाट फिट फॉर अस, वी नीड टू नो आवरसेल्फ. मे बी आपका डाउट क्लियर हुआ रहेगा.
हाँ, ठीक तो ये है। जो हाँ बड़े बड़े जो है अभी वॉरेन बफेट्स वगैरह, तो वो इन्वेस्टमेंट करते कि वो ट्रेडिंग करते, कि पहले वो ट्रेडिंग करते थे बाद में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया? गुड अनमोल क्वेश्चन सतीश, आपने नाम क्वेश्चन लिया फ्रॉम है, माय या साइड बोला ना किरण? कि जर आपण आता स्टार्ट केलं बिगिनरसाठी, तर आपण ट्रेडिंग सुरू करायला पाहिजे आधी का इन्वेस्टमेंट सुरू करायला पाहिजे आधी? हाँ, यस, गुड क्वेश्चन। सो इफ यू आस्क मी, ट्रेडिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज, नॉट जस्ट अबाउट द मार्केट, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ खूप खूप वेगळे प्रिन्सिपल्स आहेत ट्रेडिंग मध्ये. आणि हे बघा, जितकं डिसिजन फास्ट घ्यायला लागणार ना, तितकं तुम्हाला जास्ती अभ्यास करायला लागणार. मैं वापस बता देता हूँ, जितना आपको जल्दी डिसीजन इन ट्रेडिंग, यू हैव टू टेक फास्ट डिसीजंस, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत है. सो माय व्यू और द व्यू ऑफ मनी मैटर्स इज दैट टू बी अ ट्रेडर, यू हैव टू फर्स्ट बी एन इन्वेस्टर, स्पेंड ओके टाइम इन द मार्केट, लर्न हाउ इन्वेस्टिंग हैपेंस, क्रिएट अ गुड पोर्टफोलियो, अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाइए. उससे क्या होगा ना, आपको देखिए, देखो हर एक बंदे का एक माइंडसेट होता है जब वो नया आता है मार्केट में. आप अपने आप को पूछो, सबको लगता है जब मैं शेयर लेता हूं वो ऊपर ही जाना चाहिए, वो नीचे आना ही नहीं चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप दोनों का अप्रोच है, पर मैक्सिमम लोगों को यही लगता है. जब वो नीचे जाना शुरुआत करता है ना, तब एक्चुअली आपका टेस्ट है, तब आप जैसे रिएक्ट करते हो ना उस सिचुएशन को, तब समझ में आएगा आगे जाके कि आप ट्रेडिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. अगर आप उसी समय पैनिक हो रहे हो, आपने तो अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई की है, तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो, डोंट हैव टू वरी. अगर आपने ये फेज, ये बिगिनर फेज से आप निकल गए ना, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू, गाइड यू टू बिकम अ ट्रेडर और नॉट. थैंक यू सो मच दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस. वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ दिस. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि क्या आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, ऑफ एजुकेटिंग यू ऑल, टेलिंग यू, शोइंग यू अ मिरर एंड यू टेक अ कॉल. वी विल डेफिनेटली बी देयर फॉर यू, हैंड होल्ड यू, आपको हाथ पकड़ के बता सकते हैं कि ये करना चाहिए या ये कर सकते हो. आप कर सकते हो कि आगे जाके नहीं कर सकते हो, ये आपका डिसीजन होना चाहिए. दैट्स व्हाट वी बिलीव. वी डोंट वांट टू स्पून फीड यू, बट वी वांट टू इंस्पायर यू कि आप स्टॉक मार्केट में आए और आपका एक्सपीरियंस खराब या गलत नहीं हो. दैट्स बेसिकली व्हाट वी वांट टू टेल यू ऑल. या सो आई एम सो सॉरी, वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस. पाटिल सर, जगन्नाथ सर, यू हैड अ क्वेश्चन, तुम्ही आधी हाथ रेस केला, कैन यू यू वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन नाउ, और यू व्हाट द आंसर? जगन्नाथ पाटिल सर, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम. चितरे सर, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes. थैंक यू. In connection with this same investment or trading, you have to study and all this, what the earlier question and what Amishi said. Now, recently, Ambani has declared or announced some hydrogen based project, huge investment. Within a short time, Mr. Adani also has followed that he will also investment in green hydrogen or whatever. To be honest, I haven't understood what it is going to do in the energy sector. But if it is going to be like the electric sector, where battery or allied industries will come up, what kind of industries may start or can be good for investment as on date in this hydrogen related thing? Charmi, you have any answer for this? I think up better tarike se batao isko. So, Balchandra sir, to be very honest with you, in our common sense approach, right now it's not making any sense. Or I don't have the answer. Probably give us some time to read. There are many, many sectors, trust me. And Balchandra sir, I will not shy away कि मी घाबरून हे नाही सांगणार, किंवा मी उगाच तुमच्या समोर मला माहिती हे पण दाखवायचे प्रयत्न नाही करणार. आय जेन्युइनली डोंट नो करंटली व्हॉट मे बी द पॉझिटिव्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर डेव्हलपमेंट. There are, as I said, there is something beyond my common sense. Probably this is right now not in my reading, or it is not attracting my attention. If tomorrow it does,
I will definitely do some research on this. If I find something promising, Bhajendra sir, it's a promise to from my end that we will send you a small email if there is something promising about the developments of Reliance and Adani. These guys have so much money with them that yes. Trust me, they can do a lot of experiments. They have the liberty of losing thousands and thousands of crores of rupees. Which we all आपल्याकडे ते तेवढा लिमिटेशन त्याचं लिबर्टी नाही सो एज ऑफ नाउ आय एम सॉरी बट आय डोंट हॅव अ प्रॉब्ली अ क्लिअर आन्सर टू दिस सो चार्मी रोहित सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही इज आस्किंग दॅट व्हॉट टू रीड टू डू रिसर्च आय थिंक विल रिक्वायर अ एंटायर न्यू सेशन फॉर दॅट Rohit sir, we are actually planning to do one more educative session on that. So there are basically two approaches. Charmi, you want to say something on this or you want... Actually, my connection got lost. What was the question? The question is, Rohit Satra sir is asking that what to do research. Research karne ke liye kya karna chahiye? बेसिकली रिसर्च करने के देखो जैसे कि सर ने पूरे सेशन में हमने बताया कि पहले तो आसपास देखो जो कंपनीज मिल रही उसको पहले सर्च कीजिए ठीक है. देर आर सो मेनी वेबसाइट जहाँ पे आपको डेटा मिलेगा. लास्ट वेबिनार में भी मैंने काफी वेबसाइट बताई थी आपको जैसे कि BEF करके एक वेबसाइट बताई थी. देन देर इज मनी कंट्रोल. देन देर इज अलॉट ऑफ गूगल पे भी अगर आप सर्च कर दोगे तो अगर कंपनी सपोज आप ब्रिटानिया के बारे में बोल रहे हो तो ब्रिटानिया के वेबसाइट में भी उनकी कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा रहता है कि क्या सेल्स हुए क्या हुआ है. सो रिसर्च का बेसिक एक ही है कि आप कोई भी एक कंपनी को सिलेक्ट कीजिए फिर उसके सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं उसके सेक्टर के बारे में भी पढ़िए कि वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है. उसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसके बारे में भी रिसर्च कीजिए. अगर आपको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट एकदम डीप में जाना है तो की बात कर रही हूँ मैं कि यू read everything related to the company. वहीं से एक शुरुआत हो सकती है कि आप पहले कंपनी को पहचान लीजिए कि अब क्या है अभी. फिर उसके ऊपर आपका क्या विचार है मतलब आपको क्या लगता है what is your analysis what do you forecast whether this company is good or not. फिर आप डायरेक्ट वो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट पैसे के साथ खेलना मत स्टार्ट कीजिए. अब आप दिमाग में सोच लिया कि चलो आपने सोचा कि ये कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी है ये कंपनी यहाँ तक तो जानी चाहिए. लिख के रखिए कहीं पे देखिए क्या होता है whether your analysis is right or not. ये एक तरीका हुआ रिसर्च करने का कि आप पहले सिर्फ पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं इसको भी. ओके दैट्स फॉर फेयरली रोहित जी. सो टिपिकली बहुत इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और ऐसा एक 5 मिनट में जवाब देना बहुत डिफिकल्ट होगा कि रिसर्च के लिए क्या करना चाहिए. पर अगर आप हमारा अप्रोच समझेंगे तो एक चीज हम रेगुलरली करते हैं. हम एक तो सेल्फ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है. आपको देर आर लॉट ऑफ बुक्स आई विल ट्राई टू शेयर द नेम्स ऑन अ ईमेल. आप सबको एक ईमेल आएगा हमारे आज के सेशन के बाद. गुड बुक्स दैट यू कैन रीड दैट इज वन थिंग विच इज हेल्प मी. मतलब मोर देन रिसर्च ना हमको हमारे माइंड के साथ बहुत काम करना है. इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट हैविंग द राइट माइंड सेट. तो माई फेवरेट बुक विच आई कीप ऑन रीडिंग आप सभी लोग उसका नोट कर सकते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी. बहुत जनों का ना पैसे के साथ रिलेशन ही थोड़ा करेक्ट नहीं होता है. सो एक आई एम नॉट सेइंग कि मैं कुछ करेक्ट करना चाहता हूँ. साइकोलॉजी ऑफ मनी हैज हेल्प मी हैव माय रिलेशनशिप विद मनी. देन डेफिनेटली देर इज फंडामेंटल देर इज मेजरली दो तरीके हैं फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस. एंड रिसर्च के बारे में अगर आपको कुछ चाहिए तो इफ यू आर इंटरेस्टेड वी विल ट्राई टू मेक सम स्मॉल सेशंस on the different methods by which you can research which will be simple sessions like these 15-20 minute education sessions that we would like to have. So how to analyze company and everything. I just want to know just take a main jitne bhi log aaj hai webinar mein main sabse puchna chahta hu ki will you like ki hum aise kuch sessions rakhe jahan pe hum thoda aur depth aur ek level niche thoda advance mein jaye. Would you like that? I've got one definitely from Rohit ji, but okay. Yeah. Okay, great. Krishnakant, okay, great. Thank you, Deepa. Thank you for this encouragement. Thank you, Sanjay sir. Please give us some time. It is, dekhi, hum, as I said, hum har ek cheez ko simple rakhna chahte hain, not too many complex words.
वन क्वेश्चन गौतम सर, प्लीज प्लीज फील फ्री. जसं तुम्ही सांगितलं की इन्व्हेस्टमेंटला जे बिगिनर्स असतात ते आधी इन्व्हेस्टमेंट करा म्हणजे मग तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्ही काय ट्रेड करू शकता, राईट? तर तो तसा एक स्पॅन जो असतो तसा कसा असू शकतो, म्हणजे मिनिमम अमाऊंट मध्ये मी सुरू करणार आहे, मग मी वाट बघणार का 4-5 वर्ष माझी वाढेल मग मी ट्रेड करणार, तर कसं ते मॅनेज करायचं? चांगली चांगला प्रश्न आहे. पहिले तर मी म्हटल्याप्रमाणे की ऍज यू आर स्टार्टिंग विथ अ मिनिमम, मतलब मिनिमम अमाऊंट तुम्ही चालू करा. हा जो स्पॅन आहे ना, देर इज नो टेक्स्टबुक डेफिनेशन की दिस स्पॅन इज ऑफ 2 इयर्स ऑर 4 इयर्स ऑर 5 इयर्स. आय हॅव एक्सपर्ट्स, आय नो स्टुडंट्स हु आर इन इन देअर 10th स्टँडर्ड अँड आर फॅन्टॅस्टिक ट्रेडर्स, अँड आय नो समवन हु इज 45 इयर्स ओल्ड अँड स्टील इज कन्फ्युज की मुझे काय इन्व्हेस्ट करणार. सो तुला तुम्हाला एक फॉर्म्युला देतो. एव्हरी डे ऑर एव्हरी टाइम तुम्ही आज एक नवीन गोष्ट शिकलाय का हे बघत राहा. खूप टेक्स्टबुकी उत्तर आहे पण तरी तेच सांगतो की फर्स्ट स्टार्ट इन्व्हेस्टिंग आणि ट्राय टू लर्न वन न्यू थिंग एव्हरी डे. दॅट्स वॉट आय लर्न फ्रॉम दिस यंग गाय इन 10th स्टँडर्ड. दॅट्स वाय वॉट आय लर्न फ्रॉम चार्मी. नाव निकिता चार्मी सो यंग, शी इज प्रॅक्टिकली ॲज ओल्ड एज माय डॉटर अँड शी नोज हाऊ टू ट्रेड बाय हर सेल्फ. And when I speak to her, I realize ki it is all about taking interest. This is not her part-time job. I am not saying as a housewife, you have other things to take care of, or someone is in a professional job, they may have other things to do. But if you are seriously interested in trading, it's a full-time activity. There will be lot of people, Nikita, je tumhala sangtil ki trading, are ami fakt donas tas karto ani ami इतके कमवतो किंवा इतके मिळतं वगैरे वगैरे. ट्रस्ट मी, इट मे बी ट्रू, बट दॅट पर्सन, त्या माणसाने किंवा त्या व्यक्तीने ना, ही हॅज रिअली इन्व्हेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इफ ही इज रिअली डुईंग इन द राईट वे. ऑर मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट लाईंग टू यू. आय बी व्हेरी ओपन टू यू. आय डोंट नो, मला कोणाबद्दल काही नेगेटिव्हिटी नाहीये, पण मी खूप लोक मला भेटतात जे मला म्हणतात मी अरे काल 15,000 कमवले, आज मी दररोज ऍव्हरेज महिन्याला दिवसाला I make 2,000 or 3,000 or 5,000. And when I actually go in the depth, na, I have seen wrong things in front of my eyes. Tamar, don't believe in what people tell you. Believe in what you see. Tumcha doyani tumhi kaya baghal na, tachavar vishwas thewa. So you are interested in trading, understood. But it has to be ki tumhi pahile stocks ghetle, त्याच्यातलं तुम्हाला नेगेटिव पॉझिटिव तुम्ही दिवस काढले अँड देन यू मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट लेवल अँड बिकम अ ट्रेडर. दॅट्स इट. सो या, मतलब बिंग अँड ट्रेडर, आय वुड लाईक टू ऍड की सर जो बोल रहे, एक्चुअली में सही है, ट्रेड जो रहता है, जो इंट्राडे ट्रेड वगैरह करते हैं, वो रहता है 10 मिनट या 15 मिनट का, पर एक्चुअल जो स्टडी होती है वो ट्रेड, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन पार्ट है 10-15 मिनट, दैट्स वेयर वी आर एग्जीक्यूटिंग. बट वो ट्रेड लेने के लिए की जो मेहनत है, दैट इज वी सिट फ्रॉम 9:15 to 3:30 कॉन्स्टेंटली. 9:15 नहीं, 8:40 से स्टार्ट हो जाता है, तो 8:40 से 3:30 तक हम लोग कॉन्स्टेंटली देखते हैं, समझते हैं क्या है, उस हिसाब से नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं जो 10 मिनट का, पर उसके लिए रात को भी स्टडीज होती है, रिसर्चेज होती है. Sorry, probably lost her due to some connection. But yeah, so Nikita, in a nutshell, na, je loka boltat, tachyavar far jau naka. If you, it's a study and it will happen. Probably it will take 1 year or probably it will take 4 years. It's okay. Completely up to you. Tumhi kiti interest ghetai ani tumhi kiti abhyas karta. So that's it. Thank you, Gautam. You're welcome, Nikita. Great. So thank you so much, guys. I think we've answered all the questions. If there is anything, before everyone leaves, I have a request to make. I am going to share a feedback form. I request before all of you sign out, please fill this feedback form. I'm just sharing the link in the chat right now. Rohit ji, main aapse request karta hu, please feedback dijiye taki hame pata chale hum aise aage is type ke sessions karte rahe. दीपा, अभिजीत, संजय सर, निकिता, पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म बिफोर यू, बिफोर वी एंड द सेशन टुडे. कृष्णकांत, यू ऑल्सो. प्रशांत सर,
Surendra sir, please request you to fill the feedback form. So I hope the session was interesting. And anything else? Sir, I want to announce something. So I want to announce something. Ke next session jo hai, jo aaj hum log ne myth sab kuch cover ki hai, jo bhi myth bata hai, jo bhi problems bata hai, uske solution ek. Chani, your voice is gone. Hello. Yeah, we can hear you now. Hello. We can hear you, Charmi. I am very sorry. Actually, कुछ net issue आ रहा है, तो बार-बार वो चला जा रहा है. Very sorry. Yeah. So, कुछ investment opportunities है, कुछ products है, जिसके बारे में sir will be talking on the next Sunday, 3rd October, जहाँ पे Focus 20 हमारे पास बहुत सारे products हैं, इसके बारे में sir detail में आपको बताएगा, वहाँ पे भी आपको काफी चीजें, कुछ terms है, कुछ चीजें हैं जो clarify होगी. So that's on 3rd October. Then I am coming up with very interesting session on 10th October, where we will be talking about children's and money. I want you all to attend that session as well with your families, because usme kuch activities karenge, ekdam fun session rahega, and we will be understanding importance of money, and like the topic is children's and money, we are trying something new. So do join us with your family. Yes. Nikita and everyone, it's an initiative ki hamara, we feel ki humne jo nahi sikha jab hum bachpan mein the, and that actually Charmi and my young team has inspired me ki I feel genuinely ki our kids should have a knowledge of money. So Nikita, we are doing a session for children. So this will be a session where even the parents can be a part of it. So I request you, iska abhi tak formula ban raha hai. So this will be next to next Sunday. So wait for our updates, and please, once we send you the link, forward it to as many as of your friends jinke bacche 9 saal se 14 saal ke beech mein hai. 9 to 14 is the target age group that we are looking at. Is that right, Charmi? 9 to 14? Yes. Okay, great. So please forward that to as many as friends you have jinke bacche hai 9 se 14 saal ke beech mein. And sure. Let's wait for an exciting session. All right. And also, being a team member of Money Matters, I'm very, very proud to say that Gautam sir and Amol sir aaj IBN Lokmat pe aane wale hai. Unka ek interview hai. Humare baare mein aur janna hai. So please do watch it. Sir ne wahan pe bahut sare interesting questions ke answer bhi diya, I guess. Even I am excited. Mujhe bhi nahi pata hai what is going to come up. So I am going to watch it. Do watch it with me. I am very proud that Gautam sir and Amol sir is going to be there. Yeah. Thank you, so Sarah. It is going to be telecasted at 12:30, right, sir? Yeah, right now in the next. So do watch it. Yeah. Thank you so much. Thank you so much from all of us here at Money Matters. Great having a chat with you, and happy investing. Have a great Sunday. Have a great Sunday. Thank you so much.